नमस्कार, बहुत स्वागत आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सियासी खबरों पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले भोपाल से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही। चलती बाइक पर स्टंट करने का एक मामला सामने आया है। वीआईपी रोड पर चलती बाइक के ऊपर स्टंट किया गया है, बाइक पर आतिशबाजी के साथ स्टंट किया है। बाइक सवार का वीडियो अब लगातार वायरल होता हुआ, वीडियो के आधार पर पुलिस अब कार्रवाई भी कर सकती है, ऐसी भी आशंकाएं। वीआईपी रोड पर देर रात स्टंटबाज रोज ही जमा होते हैं, ऐसी भी जानकारियां। वीआईपी रोड अब स्टंट जोन की तरह तब्दील होता जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए, यही वो वायरल वीडियो जिसके आधार पर अब पुलिस कार्रवाई करने की पूरी तैयारी में। तस्वीरें आप देखिए, रात का वक्त भी जब आतिशबाजी करते हुए इसी तरह से बाइक पर स्टंट करते हुए युवा नजर आए। आपको बताएं कि भोपाल के वीआईपी रोड की अक्सर तस्वीरें वायरल होती हैं और अक्सर इसी तरह के मामले यहां से सामने आते हैं, जब बाइक पर स्टंट करते हुए युवक युवतियां नजर आए हैं। एक बार फिर से राजधानी भोपाल के वीआईपी रोड का यही मामला, इसमें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कितना खौफनाक हो सकता है, कितना घातक हो सकता है इस तरह का स्टंट बिना सुपरविजन के करना, और उसके बावजूद बेखौफ होकर अक्सर इस तरह के मामले सामने आना, ये बताता है कि इस तरह की कार्रवाइयों का कोई खास असर राजधानी में तो नहीं पड़ रहा। वीआईपी रोड पर देर रात स्टंटबाज जमा भी होते हैं, इसकी जानकारी निश्चित तौर पर पुलिस प्रशासन को भी होगी, लेकिन इसके बावजूद कोई खास कार्रवाई नहीं की। तरफ है मेरे ही चर्चे, होटों पे है बस। तो आप देख रहे हैं कितने बेखौफ होकर इस तरह से युवा स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं। वीआईपी रोड से अक्सर ऐसे मामले सामने आना दर्शाता है कि इसके बावजूद सबक नहीं लिया है युवक युवतियों ने। एक बार फिर से इसी तरह की तस्वीरें और ये वीडियो अब चूंकि वायरल हो चुका है, पुलिस तक भी जरूर पहुंचा होगा। अब ये माना जा रहा है कि इस वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस इन आरोपियों की तलाश करेगी। सही की जितेंद्र हमें ज्यादा जानकारी देंगे। जितेंद्र, अक्सर इस तरह के मामले हम देख रहे हैं राजधानी भोपाल से, और वीआईपी रोड तो हम माने कि स्टंटबाजों का अड्डा बन चुका है। इस मामले को लेकर क्या पुलिस ने अभी तक संज्ञान लिया है? देखिए, अगर बात करें तो अभी हम वीआईपी रोड पर ही खड़े हैं और इस रोड का नाम भी शायद बदलकर स्टंट जोन कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की जो स्टंट बाइक है, सुपर बाइक कह सकते हैं, यहाँ पर पहुंचते हैं लोग शाम से ही, जमावड़ा लगा देते हैं और रात तक, देर रात तक यहाँ पर बड़े बड़े स्टंट करते हैं। आप देख सकते हैं कि बाइकों से हाथ छोड़कर या आतिशबाजी करते हुए इस तरह के वीडियो न्यूज टीम ने कई बार दिखाए, मगर इन पर पुलिस किसी तरह से कार्रवाई नहीं करती है। ये दूसरों की जान से भी खिलवाड़ करते हैं। वीआईपी रोड पर काफी भीड़ जमा रहती है लोग, मगर यहाँ पर रील्स बनाने के लिए इस तरह की सुपर बाइक लेकर आते हैं, इस जगह स्टंटबाजी करते हैं, मगर पुलिस यहाँ पर जो है एक तरह से हेलमेट चेकिंग जरूर करेगी, मगर इन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती है? क्योंकि ये खुद की जान को तो जोखिम में डाल ही रहे हैं, दूसरों की जान को भी ये जो है जोखिम में डालते हैं। ऐसे जो बाइक सवार हैं स्टंटबाज, इन पर कार्रवाई होना चाहिए। पुलिस को दोनों तरफ खड़े होकर इनकी चेकिंग करना चाहिए। कैमरे भी, हालांकि हाईटेक कैमरे भी यहाँ लगे हुए हैं, बावजूद उसके इस तरह के वीडियो हर दूसरे दिन वायरल होते हैं, मगर वायरल होने के बाद पुलिस इन तक नहीं पहुंच पाती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। निश्चित तौर पर जितेंद्र, और ये ऐसा पहला मामला नहीं है जो सामने आया हो, पहले भी इस तरह के मामले पुलिस के संज्ञान में आते रहे, लेकिन क्या ये माना जाए कि पुलिस की तरफ से सिर्फ समझाइश दी जाती है और उसी वजह से लोग लगातार बेखौफ होते जा रहे हैं? बिल्कुल, अगर बात करें तो जो राजा भोज सेतु है उससे लेकर वीआईपी रोड का तकरीबन ये 3 किलोमीटर का जो पूरा रूट है, इस रूट पर इस तरह के उल्टे सीधे बाइक सवार, रॉन्ग साइड से आने वाले, तेजी से गाड़ी चलाने वाले या तमाम तरह के स्टंटबाज यहाँ पर पहुंचते हैं, स्टंट दिखाते हैं, वीडियो वायरल होते हैं, न्यूज 18 ने कई वीडियो दिखाए हैं, बावजूद उसके पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाते हैं, जबकि हाईटेक कैमरे इस जगह पर लगे हुए हैं, जगह जगह पर राजा भोज की प्रतिमा के सामने पुलिस। हालांकि सबसे बड़ी बात तो यह भी कि इसी रूट से अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला निकलेगा, उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि इस तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं, तो पुलिस को चाहिए यहाँ पर चप्पे चप्पे पर तैनात रहे और ऐसे जो स्टंटबाज हैं उन पर कार्रवाई भी करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, जो कि अपनी सादगी और सरल स्वभाव के लिए ही जाने जाते हैं। सीएम शिवराज आम आदमी से इतनी सहजता से मिलते हैं कि जिसकी भी उनसे मुलाकात होती है वो व्यक्तिगत तौर पर इस मुलाकात को महसूस करता है और उनका मूड भी होता है। शहडोल पहुंचे सीएम शिवराज का अलग अंदाज आप देखिए, यहाँ पर सड़क पर जामुन बेच रही महिला के पास पहुंचे मुख्यमंत्री और पूछा कि अम्मा जामुन कैसे दी। सीएम ने महिला से जामुन लिया और उसे चखे और साथ ही साथ महिला का हालचाल जाना। सीएम को अपने सामने देखकर महिला का चेहरा भी खुल उठा। तस्वीर आप देखिए, महिला से बातचीत की और जिस तरह से महिला खुश नजर आई, प्रत्यक्ष होता है कि कितना महसूस करते हैं मुख्यमंत्री।
आम लोगों को भी साथ ही साथ उनसे जब मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं उसी सरल अंदाज में रूबरू होते हैं। जामुन का घर पे है जामुन का घर पे है तोड़ के लाओ अम्मा सर जामुन कैसे हो? ठीक है मामा जी। शहडोल पहुंचे हुए थे मुख्यमंत्री। अपन जामुन खरीदते जी मामा जी। नहीं मामा जी अपन खाइए। अम्मा सर जामुन खरीद कैसे हो? ठीक है मामा जी। ठीक है अपन जामुन खरीदते जामुन का घर पे है तोड़ के लाओ। तो आप देख रहे हैं किस तरह से प्यार से मुलाकात करके स्थानीय लोगों के साथ मुख्यमंत्री मामा जी कहकर बच्चे भी उनसे लिपट जाते हैं। साथ ही साथ जो अम्मा यहाँ पर जामुन बेच रही थी उनके चेहरे पर भी खुशी देखे मुख्यमंत्री खुद उनसे रूबरू हुए एक आम व्यक्ति की तरह ही पूछते हैं कि जामुन कैसे दिए जामुनों का स्वाद भी चखा है और इस बारे में भी जानकारी ली कि किस तरह से उनकी गुजर बसर चलती है यहाँ पर किस तरह से व्यवसाय करती है। लेकिन इसी तरह की तस्वीर अक्सर सामने आती है। आपको हम बताएं कि शहडोल में प्रधानमंत्री का दौरा होने जा रहा है और यहाँ पर तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे थे। और शहडोल दौरे पर पहुंचे सीएम शिवराज ने सड़क पर मजदूरी कर रहे महिलाओं से भी मुलाकात की है। सीएम को देखकर महिलाओं के चेहरे भी खिल उठे। तस्वीरें आप देखिए पखरिया गांव में मजदूर ने सीएम से मुलाकात की उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सीएम शिवराज ने मजदूर भाइयों से भी मुलाकात की हालचाल जाना। मजदूरों ने सीएम के साथ फोटो भी खिंचवाई है। सीएम ने मजदूरों से बातचीत कर लाडली बहना योजना के बारे में भी महिलाओं को जानकारी दी। ये लाडली बहना का पैसा मैंने भेजा था मिल गया सबको मिल गया सियाने तीन को नहीं मिलता है 60 साल उसमें पेंशन वाला अलग से करें। जी देखिए वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अम्मा और बच्चों से मुलाकात मुख्यमंत्री की साथ ही साथ मजदूरों से भी मिले महिलाओं से भी मिले लाडली बहना योजना का लाभ उन तक पहुंच रहा है या नहीं ये भी जानने की कोशिश करते हुए मुख्यमंत्री सहयोगी शैलेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा चर्चा के लिए। शैलेंद्र यही सरल अंदाज है जो कि लगता है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता का एक बहुत बड़ा कारण है किस तरह से मामा मामा करते हुए बच्चे लिपट जाते हैं मुख्यमंत्री से और मुख्यमंत्री भी उसी उत्साह के साथ जवाब भी देते हैं। देखिए जब भी सीएम पब्लिक के बीच जनता में कहीं पर होते हैं तो उनका हमेशा अंदाज निराला होता है और वो हमेशा इसी तरह पब्लिक के साथ कनेक्ट होते हैं। तो आप देखेंगे कि आज शहडोल में भी जिस तरह उनका पूरा दिन का दौरा था तो ना केवल उन्होंने पीएम मोदी की तैयारियों का जायजा कार्यक्रम का लिया उसके अलावा उन्होंने सबसे खास जब वो शहडोल में एक जामुन बेचने वाली महिला जो सड़क किनारे जामुन बेच रही थी अचानक से उसके बीच वो खुद काफिले से उतरे और उन्होंने कहा कि मैं तो आज जामुन खाऊंगा और इस तरह वो सीधे आगे बढ़े और उसी टाइम दो बच्चे भी आए और उनसे मामा करके गले लिपटने लगे और फिर उनके साथ सीएम आगे गए और उन महिला से बात की और उनके जामुन भी खाए। फिर वहाँ से फिर सीएम आगे थोड़ा गए तब उन्हें कुछ मजदूर जो भरी दोपहरी में वहाँ पर काम कर रहे थे वहाँ पर कुछ मुरम वगैरह खुद रही थी तो वहाँ उन महिलाओं के बीच जाकर तो ये भी रहा कि वो सब महिलाएं भी तुरंत सीएम को पहचान गई उन्होंने क्या कि और उसके बाद उनके लिए बीच बातचीत हुई महिलाओं के साथ उन्होंने फ़ोटो खिंचाए। तो सीएम का ये हमेशा जब भी हम देखते कभी भी कहीं पर भी ऐसा कार्यक्रम होता है तो सीएम के साथ इस तरह की जो वर्ग है जो सरकार की योजनाओं से जुड़ा हुआ या महिलाएं हैं जो लाडली बहना योजना इन योजनाओं से ये जुड़ी महिलाएं या बच्चे मामा मामा कहकर या शिवराज भैया कहकर इस तरह लगातार कनेक्ट होते हैं वो उनसे जुड़ते हैं सेल्फी खिंचाने के लिए सीएम के पास जाते हैं। तो हमने ये भी देखा हमेशा कि सीएम खुद आगे आकर उनके साथ सेल्फी लेते हैं उन आज भी जैसे उन मजदूर महिलाओं के साथ सीएम ने सेल्फी ली और उनके साथ बातचीत की उनसे पूछा कि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है और हमेशा सीएम का हमेशा ही इस तरह का पब्लिक के बीच अंदाज रहता ही है।
निश्चित, और यही कुछ तस्वीरें हैं जो कि कारण भी हैं उनकी लोकप्रियता के। बहुत शुक्रिया आपको चैलेंज जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, चुनावी दौर शुरू हो चुका है और नेताओं के पाला बदलने का सिलसिला भी तेज हो गया है। भिंड में नेता प्रतिपक्ष की विधानसभा क्षेत्र से 50 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश चतुर्वेदी ने सभी को सदस्यता दिलाई। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की विधानसभा क्षेत्र लहार से कार्यकर्ता लगातार बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। रायपुर में बीजेपी महिला मोर्चा की आज महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें राज्य सरकार के खिलाफ रणनीति तैयार की गई है। केंद्र सरकार की योजनाओं को बताने के साथ साथ राज्य सरकार की विफलताओं को आम महिलाओं तक ले जाने के लिए विशेष चुनावी रणनीति बनाई जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि आने वाले दिनों में राष्ट्रीय महिला मोर्चा के पदाधिकारियों का भी दौरा छत्तीसगढ़ में होगा। महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष, जिले के प्रभारी, प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में आगामी जो कार्य योजना है उसको लेकर चर्चा हुई। जनसंपर्क महाअभियान में सभी मोर्चों को काम दिया है, इसको लेकर चर्चा हुई। राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रवास योजना बनी है, उसको लेकर आज की बैठक में चर्चा हुई है। हाँ जी, लगातार राष्ट्रीय पदाधिकारियों के प्रवास हो रहे हैं, आने वाले समय में भी जिले स्तर पर भी राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारियों के प्रवास होंगे। साथ ही छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर मंत्री कवासी लखमा के बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू किया है। धर्मांतरण के मुद्दे पर पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने कवासी लखमा को चुनौती दी, कहा कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं बीजेपी के बयान पर शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने बीजेपी पर पलटवार किया, कहा कि 15 वर्षों में बीजेपी के शासनकाल में सबसे ज्यादा धर्मांतरण हुआ है, सरकार के पास इसका रिकॉर्ड भी है। लेकिन कांग्रेस के बैठे हुए लोग केवल बयानबाजी करते हैं। कवासी लखमा ने तो बड़े दावे के साथ कहा था ना कि हम कहते हैं कि एक भी मामला आएगा तो हम तत्काल इस्तीफा देंगे। मैं चुनौती देता हूं कवासी लखमा को, यदि आप सही में, यदि आप में नैतिक साहस है, वास्तव में एक आदिवासी पुत्र हो, तो इस मामले को लेकर के तत्काल आप इस्तीफा देंगे। ये धर्मांतरण की जहां तक बात है, बीजेपी शासनकाल में जितना धर्मांतरण हुआ है ऑन द रिकॉर्ड है, उसको तो कभी कभी नहीं हुआ है, और समय में कितना हुआ है। और एक बार फिर से बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां 2018 में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका ग्वालियर चंबल अंचल में लगा। ये बात अलग है कि बाद में हुई उठापटक और सिंधिया खेमे की मदद से बीजेपी ने सत्ता में वापसी कर ली, लेकिन अब जब 2023 का चुनाव सामने है तो बीजेपी ग्वालियर में 5 प्रोजेक्ट्स के सहारे जीत की आस लगाए बैठी है। लगातार 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद 2018 में बीजेपी ने सत्ता गंवा ली, जिसमें बड़ा झटका उसे ग्वालियर चंबल अंचल से मिला था। लेकिन इस बार पार्टी प्रोजेक्ट के सहारे जीत की आस में है। दरअसल हालिया स्थिति की बात करें तो ग्वालियर जिले में बीजेपी के पास सिर्फ 2 विधानसभा सीटें हैं, जबकि कांग्रेस के पास 4 विधायक हैं। इसी स्थिति को बदलने के लिए बीजेपी इन 5 बड़े प्रोजेक्ट्स के आसरे है। ग्वालियर में 1,000 करोड़ की लागत से एलिवेटेड फ्लाईओवर रोड का निर्माण जारी है। 16 किलोमीटर के फ्लाईओवर रोड से शहर का ट्रैफिक लोड 50% कम हो जाएगा। ग्वालियर में 550 करोड़ रुपए की लागत से नया एयरपोर्ट बनने जा रहा है। इसके बाद एक साथ 10 से ज्यादा विमान यहां खड़े हो पाएंगे और उड़ानों की संख्या भी बढ़ेगी। 450 करोड़ की लागत से नया रेलवे स्टेशन भी बन रहा है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेशन होगा। यहां रोजाना 1.5 लाख यात्रियों का आना जाना होगा। ग्वालियर में ही 1,000 बिस्तरों वाले अस्पताल का भी निर्माण हो रहा है, जो न केवल जिले बल्कि अंचल के लोगों के लिए अहम है। लोगों को इलाज में आसानी। लंबे वक्त से चली आ रही मांग को देखते हुए 536 करोड़ का चंबल वाटर प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, ताकि चंबल के पानी को ग्वालियर लाया जा सके। इसके लिए भूमि पूजन की तैयारियां चल रही है। अब इन प्रोजेक्ट्स के सहारे बीजेपी को भरोसा है कि जनता का आशीर्वाद उसे इस बार पहले से ज्यादा मिलेगा। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि जनता इस बार महंगाई, बेरोजगारी और बिजली के साथ साथ मूलभूत सुविधाओं को नजर में रखते हुए वोट करने वाली है। कि एयरपोर्ट 500 करोड़ की लागत से एयरपोर्ट बन रहा है, आपका 500 करोड़ की लागत से रेलवे स्टेशन बन रहा है, आपका 66 करोड़ की लागत से बस स्टैंड बन रहा है, एलिवेटेड रोड तो 1400 करोड़ की लागत से बन रहा है, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, और 1,000 बिस्तर का अस्पताल
ये ग्वालियर की कायाकल्प हो रही है और इससे आम जन को लाभ मिलेगा, यह भारतीय जनता पार्टी के शासन में संभव हुआ है। निश्चित रूप से जनता जनार्दन विकास चाहती है और विकास ही भारतीय जनता पार्टी का मुख्य एजेंडा है। ग्वालियर में बिजली संकट गहरा चुका है, लोग अपने घरों में सो नहीं पा रहे हैं, भयंकर भीषण गर्मी में लोगों को बाहर घूमकर राहत लेनी पड़ रही है। माननीय मंत्री जी, अगर ये नहीं होता तो आप खंभों पर चढ़ करके बिजली न सुधार रहे होते। रहा बात विकास का, विकास की बात करते हो, चंबल कॉरिडोर प्रोजेक्ट की बात कर रहे हो आप, इतने जमाने से सिर्फ हवा में बयानबाजी हो रही है। तो कुल मिलाकर के आप कुछ भी जतन कर लीजिए, ग्वालियर सहित पूरे अंचल की मैं दावे के साथ कह रहा हूं 25 प्लस सीटें जीत करके कांग्रेस आएगी। माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है जनता। वैसे इन प्रोजेक्ट की बात करें तो 5 में से 2 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। चुनाव के पहले तक 2 प्रोजेक्ट का काम आधा होने की उम्मीद है और ऐसे में बीजेपी इस कोशिश में लगी हुई है कि इन्हें अपनी उपलब्धियां बताते हुए वो यहां पर ज्यादा से ज्यादा सीटों को हासिल कर सके और सरकार बनाए। न्यूज 18 के लिए ग्वालियर से सुशील कौशिक की रिपोर्ट। और इस बीच शहडोल आपके लिए चलते हैं। अचानक से मौसम बदल गया है, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तेज बारिश के चलते सभा स्थल पर अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं। बारिश से बचने के लिए डोम की ओर सभी पुलिसकर्मी भागे हैं। तेज आंधी के साथ बादल गरजना शुरू हो चुके हैं। तस्वीरें आप देखिए, यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को पहुंचेंगे और यहां पर सभा स्थल पूरी तरह से तैयार हो चुका था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पर कुछ देर पहले पहुंचे थे और जायजा भी लिया था व्यवस्थाओं का, लेकिन अब ये तस्वीरें आप देखिए बिल्कुल ही अलग तस्वीरें कुछ देर बाद सामने आ रही हैं। मौसम बदल चुका है, झमाझम बारिश हो रही है। इसे सौरभ से हम ज्यादा जानकारी लेंगे। सौरभ, क्या फिलहाल स्थिति वहां पर? सीएम के जाते लगभग आधे घंटे बाद लालपुर में तेज बारिश शुरू हो गई है और बारिश इतनी तेज है कि जितने भी सुरक्षा कर्मी तैनात थे, जो सड़क पर थे, जो लालपुर मैदान पे थे, वो सभी भागकर डोम की तरफ आ गए हैं और लगातार अभी तेज बारिश हो रही है। लगातार बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है और पुलिस कर्मी जो है वो पूरी तरह से डोम के अंदर आ गए हैं और सभी बारिश थमने का इंतजार कर रहे हैं। अभी सभा स्थल की क्या तस्वीरें हैं सौरभ, क्या व्यवस्थाएं उसी तरह की हैं या फिर कुछ परिवर्तन उसमें? अब व्यवस्थाएं अभी उसी तरह की है, जो पानी निकालने का, जो लगातार जो बारिश हो रही है उसमें जो पानी पंडाल के अंदर घुस रहा है उसको निकालने की काम किया जा रहा है। पूरी तैयारी प्रशासन है कि अगर जिस टाइम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो और उस टाइम पर अगर बारिश हो तो ऐसी कोई अव्यवस्था मौके पर देखने को ना मिले, इसलिए पानी निकालने के लिए नाली की व्यवस्था भी बनाई जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सौरभ जानकारी के लिए। और इसी के साथ तेज की महाभारत में इतना ही, देखते रहिए न्यूज 18।